कालदेव, दशानंद रावण स्वयं तुमसे युद्ध करने आया है। कालदेव साधना में हैं और उनकी साधना में कोई विघ्न नहीं डाल सकता। कदाचित तुम्हें ये भी आभास नहीं कि दशानंद रावण कौन है। देवी को लंकेश दशानंद का अभिवादन। मृत्यु से पहले मृत्यु देवी के दर्शन। सौभाग्य है मेरा। जिसे तुम अपना सौभाग्य समझ रहे हो वो तुम्हारा दुर्भाग्य है। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो लंका लौट जाओ लंकेश। जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ उसकी पूर्ति करे बिना मैं लंका वापस नहीं जाऊंगा। मृत्यु की देवी, मुझे मेरा बाण चाहिए, मृत्यु का बाण। इसके लिए तुम्हें मेरे हाथों अकाल मरना होगा। तूने मेरे अस्त्रों का तो अंत कर दिया, अब मेरा अंत करके दिखा। तुम्हारी मनोकामना मैं अभी पूर्ण किए देती हूँ। रुक जाइए मृत्यु की देवी, आप प्रजापति ब्रह्मदेव का वरदान खंडित नहीं कर सकती। रावण को ब्रह्मदेव का वरदान है। तुम अपना कार्य तो पूर्ण ना कर सकी मृत्यु की देवी, परंतु मेरा कार्य तो पूरा करो। मेरा बाण दो। तुम केवल अपना बाण ले जाकर क्या करोगे? क्या केवल स्वयं ही जीवित रहोगे? अपने समस्त परिवार के मृत्यु बाण लेते जाओ।
किंतु उस नारायण के नर के अवतार का क्या करोगे जो तुम्हारे अंत के लिए अवतरित हुए हैं? उस वानर का क्या करोगे जो प्रतिदिन तुम्हारे राक्षसों का अंत करेगा? और उस मृत्यु योग का क्या करोगे जो नवग्रह तुम्हारी कुंडली में बना रहे हैं? जो मृत्यु की देवी से स्वयं अपना मृत्यु बाण छीन सकता है, वो दशानन लंकेश रावण ग्रहों को भी अपने अनुसार संचालित कर सकता है। स्वामी, लंकेश अनर्थ करने पर तुला है, वो आपका परम भक्त है, आप ही कुछ कीजिए। देवी, लंकेश जो कर रहा है उससे उसके पापों का ही घड़ा भर रहा है। किंतु स्वामी, उसके इस कृत्य से जगत में उथल पुथल मच सकती है। प्रणाम महादेव। प्रणाम आते। क्या हुआ देवर्षि, आप भी इन देवताओं की भांति चिंतित दिखाई दे रहे हैं? महादेव, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। रावण के निर्णय को लेकर ही ये सारे देवता चिंतित हैं, और मैं भी चिंता में हूं कि जगत का क्या होगा। कोई भी देवता उसे रोकने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मदेव के वरदान का मान तो सबको रखना ही पड़ेगा देवर्षि, इसलिए सब विवश हैं। विष्णु देव का राम अवतार भी हो चुका है, किंतु वो भी समय से पूर्व रावण का वध नहीं कर सकते। हनुमान भी तो रोक सकते हैं रावण को। हनुमान को भी तो उन्हीं देवताओं से वरदान मिले हैं जिनसे रावण अवध्य है, वो कैसे रावण को पूर्णतया रोक पाएगा? प्रभु, कुछ तो उपाय करना ही होगा, अन्यथा असमय ही प्रलय मचा देगा रावण। देवर्षि, आप तो महाज्ञानी हैं, आप ही कोई उपाय सुझाइए ना। प्रभु, रावण की शक्ति के समक्ष कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवर्षि, आप स्वर्ग ज्ञानी हैं, किंतु मेरे मुख से सुनने की इच्छा है तो सुनिए। आदि शक्ति, महाशक्ति, सबसे बड़ी शक्ति वो है जो सृजन करती है। जगत को प्रलय से बचाने के लिए हनुमान को देवियों के वरदानों की आवश्यकता है। नारायण नारायण। अब मुझे आज्ञा दे। प्रणाम महादेव। प्रणाम माते। मुझे बहुत भूख लगी है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। चलो हम ही देखते हैं कि कोई फल या मिष्ठान है भी या नहीं। अब तो माँ भी लड्डू नहीं बनाती हैं। चलो सखा, ढूंढते हैं।
अरे सखा, इसे तो पकाकर खाते हैं। कोई फल या मिष्ठान हो तो ढूंढो। सखा तुम रहने दो, मुझे फल मिल गया है। प्रणाम देवर्षि। भूख अभी तक शांत नहीं हुई है हनुमान। भूख तो प्रतिदिन लगती है ना। मैं कोई उपाय बताऊं? वो महाफल आकाश फल। नहीं नहीं, आप तो रहने ही दीजिए। आपके उपाय ने कैसा उथल पुथल मचाया था, अनुभव कर चुका हूँ, है ना सखा? किंतु हनुमान, ये भूल गए कि उसी उपाय ने तुम्हें कितने वरदान दिलाए। अंत भला सो सब भला। किंतु आप यहाँ क्या करने आए हैं? पुनः कोई उथल पुथल मचाने? नारायण नारायण, अरे मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। ये नारद यहाँ क्या कर रहा है? ये अपने दिव्य चक्षुओं से मुझे पहचान सकता है। हनुमान, देवऋषि आप? पिताश्री प्रणाम। प्रणाम देवऋषि। नारायण नारायण, आनंद सदैव बना रहे केसरी जी। आप अकस्मात आए हैं तो हमारे सभा कक्ष को भी अपने शुद्ध कर चरणों से पवित्र कीजिए। अवश्य अवश्य, नारायण नारायण। आइए देवऋषि। ये नारद तो इसी ओर आ रहा है, अब क्या करूं? जय लंकेश, जय लंकेश। नारायण नारायण। जय लंकेश। ये तो अच्छा रहा कि मेरी दृष्टि समय से नारद पर पड़ गई, वरना आज तो भेद खुल ही जाता। बलबला बलबल। क्या बलबला बल कर रहे हो? उपाय सोच रहा हूँ माजी का, उपाय सोच रहा हूँ। यदि तुम पकड़ी गई होती बलबला बलबल तब क्या होता? कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा। बलबला बलबल बलबला बलबल। जब तक तुम सोचोगे ना, हमारा भेद खुल जाएगा। नारद की दृष्टि पड़ गई ना तो हमारा बलबला बल ही हो जाएगा। महारानी जी, महारानी जी, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। अच्छा सुनो जी, महाराज से कहना कि मैं कुलदेवी के मंदिर जा रही हूँ। बलबला बलबल बलबला बलबल। नारायण नारायण। महाराज की जय हो। महाराज महारानी कुलदेवी के मंदिर गए हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा है। कुल देवी की कृपा से तो सब मंगल ही मंगल होता है। केसरी जी, आपके सुमेरु राज्य की सुख शांति से ही सबकी शांति जुड़ी हुई है। अर्थात? अर्थात आपको शांति और शक्ति पाने के लिए
शक्ति देवी नव दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे सारे संसार में सुख शांति बनी रहे। नारायण जय हो, जय हो। देवर्षि उचित कह रहे हैं, मैं भी महाराज को यही सुझाव देने आया था। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। प्रणाम राजपुरोहित जी। सदा सुखी रहे महाराज। प्रणाम राजपुरोहित जी। कल्याण हो। आसन ग्रहण कीजिए। राजपुरोहित जी, दुर्गा जी के बारे में तो सुना है, किंतु ये नौ दुर्गा जी कौन है? ये देवी दुर्गा जी के ही नौ कल्याणकारी रूप हैं। पुरोहित जी, तब तो आप मुझे विस्तार से बताइए ना नव दुर्गा जी के बारे में। हनुमान, जब यहाँ दिव्य ज्ञान संपन्न देवर्षि स्वयं उपस्थित हैं, तो इनसे अधिक कौन बता पाएगा नव दुर्गा के बारे में? नारायण नारायण। देवर्षि, तो आप ही बताइए ना मुझे नव दुर्गा जी के बारे में। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि जी, हमें भी नवदुर्गा की महिमा के विषय में बताकर कृतार्थ करें। हनुमान को ये जानना और देवी की आराधना करनी चाहिए। रावण ने अवश्य ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया होगा। अच्छा हनुमान, जैसी प्रभु की इच्छा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नौ दुर्गा में प्रथम देवी है शैलपुत्री। देवी सती ने देह त्याग के पश्चात पर्वतराज हिमवान के घर पुनर्जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वो पार्वती और शैलपुत्री कहलाई, जिनका विवाह देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के साथ हुआ। देवी पार्वती और भगवान शिव, ये तो गणेश जी के माता पिता है ना? नारायण नारायण। हाँ हनुमान, इन्हीं माता शैलपुत्री ने एक बार देवताओं का गर्भ भंग किया था। वो कैसे देवर्षि? मुझे अग्निदेव के अलावा कोई नहीं है इस संसार में। मैं सब कुछ भस्म कर देता हूँ, यहाँ तक कि लौह को भी द्रव में परिवर्तित कर देता हूँ। अग्निदेव, आप पर्वतों को हिला तक नहीं सकते, और मैं वरुण देव क्रोधित होकर वर्षा करता हूँ तो पर्वतों को बहा ले जाता हूँ। देखो, मुझ देवराज इंद्र से शक्तिशाली पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं। मैं तुम सब देवताओं की रक्षा करता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारा राजा हूँ। सुनिए, आप में से कोई इस लकड़ी को उठा के मुझे दे सकता है? हाँ हाँ, मैं उठा देता हूँ। क्या हुआ, नहीं उठ रहा है? अब आप ही उठा दीजिए।
आश्चर्य है, ये लकड़ी इतनी भारी। भारी कहाँ है पुत्र, मैं तो सिर पर लिए जा रही हूँ। अब आप उठा दीजिए। हाँ हाँ अवश्य, इसमें कौन सी बड़ी बात। इतनी छोटी लकड़ी भी आप सब उठा नहीं पाए, और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे। क्षमा करें माता, आप साधारण स्त्री तो नहीं हैं। हमें अभिमान हो गया था माता, उसे ही तोड़ने आप पधारी हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है माता, अब अपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध, तुम्हारा कल्याण हो देवो। वृषारूढाम शूल धरा शैल पुत्री यशस्विनी, देवर्षि मैं सब समझ गया। आपने सूर्य देव का अभिमान तोड़ने के लिए मुझे आकाश फल खाने भेजा था ना। इस कथा से ये भी सीख मिलती है कि कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। नारायण नारायण। हाँ हनुमान, अब द्वितीय दुर्गा की कथा सुनो। इनका नाम ब्रह्मचारिणी है। शिव जी को पाने के लिए जब इन्होंने ब्रह्मचारियों की भांति कठोर व्रत और तप आदि किए, तब इन्हें देवताओं ने ब्रह्मचारिणी नाम दे दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर पद्माभ्यां अक्षमाला कमंडलू
देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। सारी बाधाओं को हरने वाली देवी की पूजा करके साधक मन को स्वाधिष्ठान चक्र में केंद्रित कर लेता है। इनकी साधना से त्याग, सदाचार, ये गुण साधक में स्वतः ही आ जाते हैं। फिर भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हो गया ना। यदि मन में एक लक्ष्य बना लिया तो उसके लिए सतत प्रयास करने पर वह लक्ष्य प्राप्त हो ही जाता है। नारायण नारायण, सत्य है हनुमान। अब तृतीय दुर्गा जी के बारे में मैं बताता हूँ। उनका नाम क्या था देवर्षि? उनका नाम चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा। देवी चंद्रघंटा सिंह पर सवारी करती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजित है, इसलिए इन्हें देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। ये 10 भुजाओं में त्रिशूल, तलवार, हर्षा, धनुष, बाण, कमल पुष्प, चलपात्र आदि लिए हैं। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः स्वाहा। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः स्वाहा। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। विध्वंस कर दो इस यज्ञ को, इन ऋषियों के अंग भंग कर दो। रुक जाओ दैत्यों, ये देवी चंद्रघंटा का यज्ञ है, इसमें बाधा डालोगे तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। कौन करेगा सर्वनाश? तुम्हारी चंद्रघंटा देवी। ए, ध्वंस कर दो इस यज्ञ वेदी को। प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। हाँ, ऐसी ध्वनि से असुरों का अंत होता है, है ना देवर्षि? मैंने भी डमरू की ध्वनि से उस चक्रासुर का अंत किया था। अच्छा ये बताओ पुत्र हनुमान, इस कथा से तुम्हें क्या सीखने को मिला? इससे ये ज्ञात होता है कि घंटे, डमरू, शंख आदि की ध्वनियाँ पवित्र होती हैं। ये आसुरी शक्तियों का नाश कर देती हैं। तथा लोगों के कल्याण के लिए सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। देवी चंद्रघंटा की कृपा से साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है। देवी चंद्रघंटा भक्तों के दुख और बाधाओं का हरण कर लेती है। और अब सुनिए चतुर्थ देवी कुष्मांडा देवी की महिमा। जब सृष्टि नहीं हुई थी, ये संसार नहीं था, तब देवी कुष्मांडा प्रकट हुई थी। कुष्मांडा देव्यै नमः नमः कुष्मांडे नमः। हे कुष्मांडा माता, आप तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं माता, न जाने मुझसे क्या अपराध हो गया माता जो आप मुझसे रूठ गई, और मैं इस असाध्य रोग से
प्रेरित हो गया हूँ माँ। मैंने आपकी वर्षों आपकी तपस्या की माँ कि एक दिन आप मुझ पर कृपा करेंगी माँ और मैं इस असाध्य रोग से मुक्ति पाऊंगा माँ। कृपा कीजिए माँ। ओम कुष्मांडा देव्याय नमः। कोटि नमन। माता कुष्मांडा माता की जय हो। 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 संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। कुष्मांडा देवी की कृपा से साधक का मन अनाहत चक्र में प्रवेश करता है और अब देवी के पंचम कल्याणकारी रूप कंद माता की व्याख्या करूंगा। कंद माता अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। मैंने हर तरह से उपचार करके देख लिया। अब ईश्वर ही कोई चमत्कार कर दे तो ठीक, अन्यथा अपने पुत्र का ध्यान रखिए। हे भगवान, हे स्कंद माता, कितनी बरसों मैंने आपका तप किया, तब जाकर मेरी गोद हरी हुई। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं भी यहीं बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दूंगी माता। वैद्य जी ने ये औषधि दी है, उन्होंने कहा है इसे पिलाकर देख लीजिए। माताजी कहाँ गई? माताजी एक औषधि लेकर आई थी, कह रही थी वैद्य जी ने भेजा है। किंतु वैद्य जी ने तो कहा था कोई उपचार नहीं है। तब वो माता? तो स्वयं माताजी आई थी, स्कंद माता। हे माँ, मैं जानती हूँ आप ही आई थी। दर्शन दीजिए माँ। दीजिए माँ। दर्शन दीजिए माँ। दर्शन दीजिए। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जय माता दी। जय माता दी। जय हो।
तुम सबका कल्याण हो। स्कंद माता की कृपा से साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। मानसिक शक्ति ही सच्ची शक्ति है। जब मन हार जाता है तो शरीर भी हार जाता है। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। आप कौन सी देवी हैं? मुझे सभी देवियों के बारे में जानना है। नारायण नारायण। धैर्य धरो हनुमान। अष्टम देवी है कात्यायनी देवी। अब इनके अवतार की कथा सुनो। कात्यायनी देवी। मूर्ख साधुओं, बंद करो ये सब। महिषासुर के क्षेत्र में कोई भी पूजा अर्चना नहीं होगी देवी देवताओं की। तुम्हारे देवता हम हैं। मारो। महिषासुर, छोड़ दो इन साधुओं को। सिंह पे सवार तू इन्हें बचाने आई है। असुरों, इसे भी बंदी बना लो। जाओ। जय माता दी। अरे वाह, शक्ति स्वरूपा देवी ने असुरों का अंत किया। इससे यही सीख मिलती है, लोगों का कल्याण ही धर्म है। वसुदेव कुटुंबकम। महिषासुर मर्दिनी की जय। महिषासुर मर्दिनी की जय। आगे सुनो हनुमान जी। इनकी कृपा से साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है। अब सुनाता हूँ सप्तम देवी कालरात्रि की महिमा। नाम से ही ये भय उत्पन्न करने वाली लगती है। इनके दर्शन और भी भयभीत करने वाले हैं वत्स, किंतु ये महाशुभदायक है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। शुभंकरी। इनकी कृपा से साधक का मन क्षत्रेसर चक्र में स्थित होता है। इनकी सवारी गर्तव है। इनके नाम स्मरण मात्र से भूत प्रेत आदि बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। गुरुदेव, ये तो भूत प्रेत उत्पन्न हो रहे हैं। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है शिष्यों। भूत प्रेत हमारा कोई अहित नहीं कर सकते। हम देवी कालरात्रि की प्रसन्नता के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। ओम कालरात्रि देव्यै नमः। ओम कालरात्रि देव्यै नमः स्वाहा।
हे माँ काल रात्रि रक्षा कीजिए। मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।